ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ रुक करांगे अगली खबर का सतलुज यमुना लिंक कनाल के मुद्दे से अज अहम मीटिंग हो जा रही है। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों विचाले ये गलबात होगी। पानिया का मसला हल करने दूजी बार चर्चा हो जा रही है। इस तो पहला भी कुछ महीने पहला ये बैठक हुई सी पर बेसिता रही थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत मीटिंग की अगवाई करेंगे। जल शक्ति मंत्री के दफ्तर में बाद दोपहर यह बैठक होगी। 14 अक्टूबर 2022 भगवंत मान ने खट्टर नाल मीटिंग की सी पर उस समय बेसिता रही सी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने गलबात राही हल कढ़न दे लई कहा है, हुक्म दिता है। उस तो बाद एक बार पहला बैठक हो चुकी है, 14 अक्टूबर 2022 हुई सी, पिछले साल हुई सी, ते हुण इह दूजी बैठक हो जा रही है। ते अज वेखना होगा इस बैठक में कोई सिट्टा निकलता है जां फिर नहीं, क्योंकि यह मसला अज का नहीं है। ये बेहद ही भगदा होया मसला पंजाब का है, तो बेहद ही पुराना मसला ये पंजाब का है। साडे सहयोगी रविंदर जुड़ गए ने वधेरी जानकारी देण दे लई। रविंदर, अज दूजी वार ये बैठक हो जा रही है सीएम मान की, तो हरियाणा के सीएम खट्टर की, कि लगता है अज इसका हल हो जाएगा एस वायल एक वड्डा मुद्दा पंजाब अते हरियाणा का? बिल्कुल, देखो एस वाई एल का मसला बेहद संवेदनशील ते पेचीदा मसला हैगा। पिछले साढ़े चार दहाकों तो लगातार इस मसले दे उत्ते विवाद बनिया होया। बहुत सारिया मीटिंगा हो चुकी है, दूसरी मीटिंग नहीं है, इस तो पहला भी बहुत सारिया मीटिंगा हो चुकिया। गजेंद्र शेखावत जो कि केंद्रीय जल स्रोत मंत्री ने, उन्होंने भी पहला मीटिंग हो चुकी है, तो दिल्ली के ही हो चुकी है। तो उस समय भी दोनों स्टेटा के मौजूदा मुख्यमंत्री गए सन, अपनी अपनी गल रखी सी सामने, लेकिन कोई मसले हल नहीं निकलिया। अज एक बार फिर तो दिल्ली के 3 बजे मीटिंग हो जा रही है। तो इस मीटिंग दे विच की पक्ष रखे जाते हैं दोनों स्टेटा वालों, पंजाब के मुख्यमंत्री की तर्क देंगे ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तर्क देंगे ने, देखने वाली गल होगी। लेकिन इस तो पहला जी 14 अक्टूबर वाली मीटिंग की तुम जिक्र किया, गलबात की है, वो मीटिंग भी बेहद ज़्यादा खास मनी जाती थी कि इस मीटिंग कोई हल हो सकता है, लेकिन उस मीटिंग कोई हल नहीं निकलिया। तो खट्टर ने इतों तक कहता से जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि लास्ट मीटिंग से, इस तो बाद असी मीटिंग तक नहीं करनी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहर बनाने की गलबात करनी क्यों, क्योंकि साढ़े को पानी नहीं है। अज भी पंजाब के मुख्यमंत्री वालों एक गल इस मीटिंग कही जा सकती है, लेकिन मसला सिर्फ पानी होना या ना होना का नहीं हैगा, ये स्टेट सबजैक्ट भी हैगा, तो नाल नाल संघी ढांचे का सबजैक्ट भी हैगा, क्योंकि पानिया का अगर मसला हुंदा तो वो स्टेट सबजैक्ट हुंदा, स्टेट तय करता कि असी पानी देना है कि नहीं देना, क्योंकि स्टेट दे विच वगदा पानी हैगा। तो इस मसले के उत्ते अज एक लंबी चौड़ी चर्चा होने की संभावना हैगी। हालांकि हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये मीटिंग तो बाद स्पष्ट होणगे, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये लगाई जा रही, क्योंकि 19 तरीक न सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मसले के केंद्र ने अपना जवाब दायर करना है, दसना कि असी हुण तक की इनिशिएट किए ने, कि असी इस मामले दे विच असी कोशिशां कीतियां ने सुलझाउण दे लई, लेकिन इस मसले दे विच बहुता कोई अज रिजल्ट आउण दी संभावना नहीं मन्नी जांदी। हुण सियासत दी गल कर लैने आ कि इस पूरे मसले दे विच सियासत की कहिंदी आ पंजाब ते हरियाणा दी। हरियाणा दी सारियां पार्टियां मंग कर रही है कि पंजाब दे जिहड़े एस वाई एल दा नहर बना के ते पानी दिता जाए, लेकिन पंजाब दी सियासी पार्टियां चाहे वह अकाली दल होवे कांग्रेस होवे लगातार पंजाब सरकार नूं कह रही आ, पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं कह रही आ कि कोई ऐसा बयान ना दे दिता जाए कि जिहदे नाल पंजाब नूं एक वड्डा नुकसान हो जाए, क्योंकि 80 दे दहाके दे विच पंजाब पहले बहुत ज़्यादा संताप झेल चुके आ, उहदे पिछे एक पानीआं दा मसला वी सीगा। जी बिल्कुल, पंजाब दीआं सारीआं ही पार्टियां इस समें इह चाहुंदी है कि जो पंजाब दे मुख्यमंत्री ने उह कुछ अजिहा बयान ना देण जो सही ना होवे पंजाब दे लई, क्योंकि पंजाब कोल पहलां ही पाणी नहीं है।